हेलो किड्स, कैसे हैं आप? मैं आज फिर आपके सामने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक ईबीएस का लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सेंटीमेंट्स ऑफ एनिमल। क्या आपको पता है सेंटीमेंट्स माने क्या होता है? बच्चों, हम जो सुख दुख या कोई दर्द महसूस करते हैं, उसको हम हमारे सेंटीमेंट्स कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ जो जानवर होते हैं, हमारे आसपास जो जानवर होते हैं, उनके सेंटीमेंट्स भी होते हैं। वो भी सुख महसूस करते हैं, दुख को भी महसूस करते हैं, दर्द को भी महसूस करते हैं। तो आज हमारे जो कुछ जानवर हैं, मैं उनके सेंटीमेंट्स आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक भालू का चित्र है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, एक बियर का चित्र है। और ये क्या कह रहा है हमसे? बियर सेट, यू सी मी इन सर्कस और इन स्ट्रीट्स, डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। आपने मुझे अक्सर सर्कस में या गलियों में डांस करते हुए, मतलब नाचते हुए या कूदते हुए देखा होगा। कूदते हुए किस में से? फायर ऑफ रिंग ऑफ फायर में से, मतलब कि आग के गोले में से भी भालू कूद जाता है। यू क्लैप एंड एन्जॉय, आप ये देखकर बहुत इन्जॉय करते हैं और तालियां बजाते हैं। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस? क्या आप ऐसा सोचते हो कि ये सब करने में मुझे भी बड़ा मज़ा आता होगा? इफ आई डू नॉट डू दिस, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या होगा? तो आई विल गेट नो फूड, मेरा जो मास्टर है या जो मेरा मालिक है, वो मुझे खाना नहीं देगा। ओनली गेट अ बीटिंग, और मेरी जम के पिटाई होगी। तो बच्चों देखो, भालू कितना दुखी है। वो कह रहा है कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा तो मेरी पिटाई होती है और मुझे खाना भी नहीं मिलता है। अब अगला देखो, एक ये सांप है, ये क्या कह रहा है? स्नेक, स्नेक क्या कह रहा है? स्नेक कह रहा है, द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। जो ये बास्केट आप देख रहे हैं बच्चों, ये बास्केट सिर्फ इस सांप का घर होता है। आई हैव फॉरगेटन वॉट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल, मैं भूल गया हूँ कि जंगल में जंगल कैसा होता है, खुला हुआ जंगल कैसा होता है, एंड फ्रेश एयर और ताज़ी हवा कैसी होती है। क्यों पता है बच्चों आपको? क्योंकि वो बेचारा तो हर समय इस पिटारी में बंद रहता है। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, मेरे लिए तो बस ये मेरा टोकरी मेरा घर है और जो ये स्नेक चार्मर है, ये ही बस मेरे को दिखाई देता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो देखो, सांप को भी तो मन करता है ना इधर उधर घूमने का, जंगल में घूमने का, लेकिन वो बेचारा कहाँ बंद है? इस पिटारी में बंद रहता है। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो, बंदर, बंदर की हरकतें देखकर आपको सबको बहुत हंसी आती होगी, है ना बच्चों? अब लेकिन ये इसके भी कुछ सेंटीमेंट्स है। ये क्या कह रहा है? मंकी सेज आवर मास्टर मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, मेरा जो मास्टर है वो मुझसे सिर्फ नाचना 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 ही करवाता रहता है ना? इवन इफ वी डू नॉट वॉन्ट टू, अगर हम ये सब कुछ नहीं भी चाहते हैं फिर भी, और वी आर इन पेन, अगर हमें कहीं दर्द भी हो रहा होगा, हमें चोट भी हो रही होगी, या हमारे पेट में भी दर्द हो रहा होगा, या हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही होगी, तो भी हमारा मालिक हमसे क्या करवाता है? डांस डांस एंड डांस, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टोमक, और वो भी सब कैसे? खाली पेट। क्योंकि वो हमारे द्वारा जो पैसा कमाया हुआ होता है, उस पैसे को तो वो अपने पास रख लेता और हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं देता। हमारा पेट खाली होता है और हमसे वो ज़्यादा से ज़्यादा डांस 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 करवाता रहता है। तो ये देखो बंदर की है, जबकि बंदर को क्या अच्छा लगता है? ए पेड़ की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच पर, एक छत से दूसरी छत पर कूदना, छलांग लगाना, यही तो सब कुछ उसे अच्छा लगता है। लेकिन ये जो इस जो बंदर को पसंद
पालते हैं या बंदरों का तमाशा दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बांध कर एक खूंटे से रख देते हैं, उनको उछल कूद करने नहीं देते हैं। तो ये बंदर की कहानी थी। अब देखते हैं, ये देखो, ये एक गधे की और एक घोड़े की कहानी है। ये क्या कह रहे हैं, हॉर्स एंड डंकी सेट। एक घोड़ा और डंकी अब क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है ना बच्चों, आपको पता है। एंड कैरी टू मच लोड ऑन माई बैक, और मेरी कमर पर कितना सारा वजन रखा हुआ है, ये सब तो तुमने देखा होगा, है ना। बट क्या तुमने ये भी देखा है कि हैव यू सीन माई शूज़, क्या तुमने मेरे जूते भी देखे हैं कभी बच्चों? आपने देखे हैं घोड़े के या गधे के जूते? नहीं देखे होंगे, देखे तो होंगे, वो टप 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 की आवाज़ करते हैं ना सड़क पर, पक्की सड़क पर जब चलते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो क्या पहने हुए होते हैं जिससे वो टप 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 की आवाज़ होती है? तो वो होते हैं बच्चों लोहे के, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, मोटी मोटी पत्तियां होती हैं जो उनके पैरों के खुरों में कील से गाड़ी जाती हैं, है ना। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माय हॉव्स। हॉव्स मीन्स होता है बच्चों वो जो पैर होते हैं ना, पैर के जो खुर होते हैं, जो नाखून होते हैं, उसमें जब वो हॉर्स के जूते पहनाए जाते हैं, उनको फिक्स किया जाता है कील से ठोक ठोक कर, तो मुझे कितना दर्द होता है, मैं कितना रोता हूँ। माई मास्टर टेक मी अ लॉट ऑफ वर्क विद एन एम्प्टी स्टोमक। अब मेरा मास्टर भी मुझसे इतना काम करवाता है, इतना सामान ढुलवाता है, आप देख रहे हैं दोनों के दोनों कितनी बुरी तरह से अपनी पीठ पे सामान लाद के जा रहे हैं। इसने हॉर्स कार्ट में कितना सारा सामान ऊपर तक लदा हुआ है, और ये खच्चर है यानी कि डोंकी है, डोंकी के कमर पे भी कितना सारा सामान लदा हुआ है। तो ये जो है ना, इनको खाने के लिए भी फुर्सत नहीं देते हैं और खाना देते ही नहीं हैं, क्योंकि चलते ही रहते इनका खाना होता ही नहीं है और ये खाली पेट दौड़ते रहते हैं बेचारे। तो ये इनके सेंटीमेंट्स हैं। अब ये देखो, ये तो हमें बहुत सुंदर लगती है ना, तोता भी अच्छा लगता है, और ये छोटी 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 ऑस्ट्रेलियन वर्ड कहते हैं इनको, ये बहुत अच्छी लगती है हमें पिंजड़े में। लेकिन क्या कभी आपने इनका दर्द महसूस किया है? ये क्या कह रही हैं, पैरट एंड बर्ड्स क्या कह रही हैं, वी वॉन्ट टू फ्लाई इन द ओपन स्काई। बच्चों पंख मिले हैं इन चिड़ियों को, भगवान जी ने पंख दिए हैं, वो किस लिए दिए हैं, कि ये ऊपर आसमान में, खुले आसमान में उड़ सकें। बट पीपल होल्ड अस, लेकिन लोग हमें पकड़ लेते हैं, एंड इम्प्रिजन इन अ केज, और हमें एक पिंजड़े में कैद कर देते हैं। जो चिड़िए हैं इनको पकड़ कर एक पिंजड़े में कैद कर देते हैं। दे लाइक टू शाउट आवर ग्रीफ, उनको हमारा दुख से चिल्लाना, शाउट आवर ग्रीफ, दुख से चिल्लाना, हमारा दुख से चिल्लाना अच्छा लगता है। वो कहती हैं, वो सोचते हैं कि चिड़ियाँ जो हैं चहचा रही हैं, जबकि वो चहचा नहीं रही होती हैं, बल्कि क्या कर रही होती हैं, वो दुख से शाउट कर रही होती हैं कि काश हम इस पिंजरे से बाहर निकल जाते और खुले आसमान में उड़ते और चारों तरफ देखते कि क्या है। समझे बच्चों? तो ये तो हमारे इन जानवरों के सेंटीमेंट्स थे। अब पिछली वीडियो की तरह से, जैसे बच्चों पहले पिछली बार मैं नंदू हाथी की कहानी आपके लिए लेके आई थी ना, इसी तरह से इस बार भी मैं एक बुलबुल की कहानी, बहुत प्यारी सी बुलबुल की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, कि किस तरह से बुलबुल को जब राजा ने पिंजड़े में बंद कर लिया तो वो कितनी दुखी हो गई। तो अब सुनते हैं, चलिए कहानी। कहानी क्या है? बुलबुल का गाना। यह कहानी चीन के राजा की है बच्चों। चीन में एक बहुत बड़ा राजा था, और उसका महल तो इतना बड़ा था, और उस महल के अंदर जो बगीचा था वो तो इतना बड़ा था कि जो उस बगीचे का माली था, उस माली ने भी उस बगीचे को पूरी तरह से देखा नहीं था। और उस बगीचे के एक कोने में एक पेड़ था, और उस पेड़ पर, एक बरगद के पेड़ पर, एक बुलबुल, सुंदर सी बुलबुल रहा करती थी। ये देखो कितनी सुंदर बुलबुल है। और वो बुलबुल बहुत मीठा सुरीला गाना गाती थी, जो भी उसका गाना सुनता वो दीवाना हो जाता, सब लोग उसकी तारीफ करते।
पर जो वो राजा था ना, उस राजा ने उस बुलबुल का गाना कभी नहीं सुना था, है ना, कभी भी नहीं सुना था। फिर क्या होता है, एक बार जापान के राजा चीन के राजा से मिलने आए। जापान का जो राजा था वो चीन के राजा से मिलने के लिए आया, तो उसकी बहुत खातिर की गई, जापान के राजा की खूब खातिरदारी की गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए, जाते समय उन्हें बहुत सारे कीमती तोहफे दिए गए। अब राजा जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने वो बरगद का पेड़ पड़ा उनको, जब वो बगीचे से निकल कर जा रहे थे, तो उस बरगद के पेड़ पर कौन बैठा था बच्चों? वही प्यारी प्यारी सी बुलबुल बैठी हुई थी, और वो बहुत सुरीला गाना गा रही थी। तो जो जापान का राजा था वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उसका गाना सुनने लगा, उसे बहुत ही अच्छा लगा वो गाना। अब क्या होता है बच्चों, कुछ दिन के बाद जब जापान का राजा चला गया, तो कुछ दिन के बाद उस जापान के राजा ने चीन के राजा को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा उसने पता है बच्चों? उसने लिखा कि जो चीन में मैंने दिन बिताए वो मैं कभी भूल नहीं सकता, बहुत ही सुंदर दिन थे, लेकिन राजा आपके बगीचे की जो बुलबुल थी और जो उसका गाना था वो तो दुनिया का सबसे अच्छा गाना, ऐसा गाना तो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना, इतना मधुर गीत मैंने कभी नहीं सुना। अब राजा जो चीन का था वो तो सोच में पड़ गया, अरे ऐसी कैसी बुलबुल है, मैंने तो उसका गाना कभी नहीं सुना। अब वो क्या कहता है, राजा ने हुक्म दिया, हमारे बगीचे में जो भी मीठा गाना गाने वाली बुलबुल है उसे हमारे महल में होना चाहिए। वो बगीचे में क्या कर रही है, उसको तो हमारे महल में होना चाहिए, उसे तुरंत हमारे हुजूर में पेश किया जाए। हुजूर में पेश किया जाए बच्चों समझते हैं, मतलब हमारे सामने लाया जाए। वो सारे सिपाही बुलबुल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब क्या हुआ, अब कोई वो बहुत दूर थोड़ी थी, वहीं तो बगीचे में रहती थी वो बुलबुल। बुलबुल बेचारी को पकड़ कर एक पिंजड़े में बंद करके राजा के पास लाया गया। अब उस समय तो बुलबुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपना गाना गा रही थी, तो राजा तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत ही प्रभावित हुआ उसका गाना सुनकर। और उसने सोचा, मैं रोज़ रोज़ इसको बुलबुल को कहाँ ढूंढता फिरूंगा, चलो एक काम करता हूँ, इसको बुलबुल को इस पिंजड़े में यहीं रख लेता हूँ अपने महल में, और रोज़ सुबह सुबह इसका गाना सुना करूँगा। उसने अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया कि चलो इस पिंजड़े को, इस बुलबुल के पिंजड़े को मेरे कमरे में जाकर रख दो, मैं रोज़ इसका गाना सुनूँगा। लेकिन आपको तो पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने सेंटीमेंट्स पढ़े थे ना। अब चिड़िया को तो, बुलबुल को तो उड़ना पसंद था, वो पिंजड़े में उदास रहने लगी, उसका गाना भी मीठा नहीं बल्कि दर्द भरा गाना लगने लगा। उसने खाना भी खाना कम कर दिया, क्यों? क्योंकि उसको उड़ना नहीं मिलता था, उसको तो मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पर, है ना, उसकी तो खुली दुनिया थी और पिंजड़े में तो छोटी सी दुनिया में वो कैद होके रह गई, और उसको वो बहुत उदास रहने लगी। अब उधर एक राजा की जो लड़की थी वो रोज उस बुलबुल को देखती और उसको बहुत दया उस पर आती थी। और एक दिन उसने चुपचाप से चोरी चोरी उस पिंजड़े के पास जाकर उस बुलबुल के पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दिया, और बुलबुल फुर्र से उड़ गई और वहीं अपने बरगद के पेड़ पर चली गई। अब क्या होता है बच्चों आगे, पर राजा तो बुलबुल का गाना सुनने का आदी हो गया था, वो इतना ज़्यादा उसको मिस किया कि उसने जो है वो राजा उसकी बुलबुल की याद में बीमार हो गया। और क्या हुआ फिर, हकीमों को बुलाया गया चारों तरफ से, पर हकीमों ने कहा, क्या कहा, कि अगर बुलबुल को नहीं लाया गया तो राजा बचेंगे नहीं, राजा को हम खो देंगे। अब क्या हुआ, वो जो लड़की थी ना राजा की, उसने सोचा शायद मैंने गलती कर दी बुलबुल का पिंजड़ा खोल कर। लेकिन वो आई, उसने बोला, राजकुमारी अपने पिता के लिए चिंतित हो गई और उसने बोली, मैंने बुलबुल को उड़ा दिया था ना, मैं ही उसको लेकर आऊँगी, क्योंकि जब बुलबुल उड़ी थी तो वो मेरे से कहकर गई थी कि राजकुमारी
कभी मुझ तुमको मेरी ज़रूरत पड़े तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे आना और मुझे बुलाना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। तो वो जो राजकुमारी थी अपने कुछ सैनिकों को लेकर चली गई बरगद के पेड़ के नीचे, और वहाँ जाकर उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाई वो? प्यारी बुलबुल आओ मेरे पास आओ और मेरे पिता की जान बचा लो। बुलबुल तो तुरंत राजकुमारी के साथ आ गई और राजा के कमरे की खिड़की पर बैठकर मीठा मीठा सुरीला गाना गाने लगी। और जैसे ही राजा ने बुलबुल का गाना सुना, वो एकदम बैठ गया। राजा बिस्तर से उठा और बुलबुल के पास जाकर बैठ गया और रोते 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 बुलबुल से बोला, हे मेरी प्यारी बुलबुल, मैं अब तुम्हें कैद नहीं करूँगा, पर एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि तुम रोज आकर एक बार मेरा मुझे अपना गाना सुनाकर ज़रूर जाया करना और फिर उड़ जाना। तो बुलबुल को तो और क्या चाहिए था, बुलबुल ने तो बड़ी खुशी खुशी हाँ कर दिया और गाना गाती हुई वहाँ से उड़ गई। राजा भी ठीक हो गया, उसने भी अपनी प्रजा का काम देखना शुरू कर दिया, तो उसकी प्रजा भी बहुत खुश हो गई। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? बाय बाय।